हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग एंड आई एम स्टार्टिंग माय ब्लॉग फ्रॉम करवा चौथ। तो ये मेरा करवा चौथ का ब्लॉग है जहाँ पे मैं लगवा रही थी मेहंदी एक दिन पहले रात को, और आप देख सकते हो मेरी कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन है। और जो ये बैक हैंड है ना, ये हमेशा मेरा फेवरेट बैक हैंड होता है। फिर यहाँ पर मैंने खाई 12 बजे रात को सरगी खोया चमचम, और उसके बाद खूब सारा पानी पीकर सो गई। गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। और यहाँ हो चुकी है मेरी मॉर्निंग, और मैं यहाँ चले गई किचन में अपने हस्बैंड का और फादर इन लॉ का टिफ़िन लगाने। यहाँ मैंने फटाफट टिफ़िन लगाया, और उसके बाद पति देव को कराया ब्रेकफास्ट। यहाँ वो मुझे दे रहे हैं लुक्स। उसके बाद मैंने उनका लगाया टिफ़िन, और टिफ़िन लगा के मैं चली गई अपने बेटे के पास, यहाँ की थोड़ी सी मस्ती अपने बेटे के साथ। उसके बाद मैं गई डस्टिंग करने, थोड़ा सा डस्टिंग किया। मीट के आने से पहले पहले हम लोग डस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अपना रूम क्लीन कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने उठाया कान्हा जी को राधे राधे। फिर मैंने घर को क्लीन किया, और मैं गई दूसरे रूम में जहाँ की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। यहाँ फटाफट से मैंने किया क्लीन। हम लोग 12 बजे के बाद पानी नहीं पीते, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लेट ही नहाते हैं। और इस बार मम्मी यहाँ पे थी नहीं, मम्मी हमारे गांव गई हुई थी, तो मैं अकेली थी, तो मैं भी टाइम पास करी थी। और फटाफट मैंने अपने बेड को यहाँ पे सेट किया। बेड सेट करने के बाद मैं कर रही थी अपनी मेड का वेट, और वो आने ही वाली थी, इसलिए मैं उससे पहले पहले अपना डस्टिंग का काम निपटा लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करा ऑफिस का काम, जैसे कि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और फिर मैं नहाई, नहाने के बाद सबसे पहला काम जो मेरा होता है वो होता है कान्हा जी को नहलाना। तो यहाँ मैं कान्हा जी को नहला रही थी, और बाकी अपने सारे ठाकुर जी को नहला के मंदिर में सफाई कर रही थी। फिर मैंने उनको सबको नहलाया और मंदिर साफ़ किया, और सबको उनके स्थान पर बिठाया। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ कान्हा जी को रेडी। आप देख सकते हो कितने सुंदर से लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। फिर मैंने लगाया भोग, पूजा की, और अब मैं चली तैयार होने मॉर्निंग लुक के लिए। यहाँ फटाफट से मैं हुई तैयार, और आप देख सकते हो मेरा मॉर्निंग लुक। फिर मैं गई थोड़ा सा तैयार और होने, और यहाँ पे करवा चौथ वाले दिन मुझे थोड़ा सा वेडिंग वाइब्स आ रही थी, तो मैंने पहनी अपनी शादी की पायल, जो कि मेरी फ़र्स्ट पायल है। और पहने मैंने ये बड़े बड़े से बिछुआ, ये भी मेरे फर्स्ट बिछुआ हैं मेरी शादी के। थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, बट एक दिन के लिए मैंने इनको पहना। ये बहुत बड़े बड़े हैं, और पहन के मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि मैं कभी इतने बड़े बिछुए पहनती नहीं। फिर यहाँ मैंने लगाई फटाफट से पिंक कलर की नेल पेंट, जो कि मेरी साड़ी से मैच थी। हम लोग जनरली कहानी जो है 2 या 3 बजे पढ़ते हैं, तो यहाँ मैं फटाफट से आई किचन में, और किचन में आके मैं बनाने लगी खाना। तभी दीदी का कॉल आया, और उन्होंने मुझे बताया कि आज जो कहानी का टाइम है वो 5:30 बजे है। तो फिर यहाँ मैं सारा खाना अपना धीरे धीरे से बनाने लगी, और पहले मैंने बनाई गोभी की सब्ज़ी। गोभी की सब्ज़ी पूरी से बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ मैं बना रही थी गोभी की सब्ज़ी। और साइड में मैंने चढ़ा दिया था कढ़ाई में तेल दही भल्लों के लिए, और यहाँ मैंने दाल को फेंटा, और फेंटने के बाद छोटे छोटे दही भल्ले बनाए। और आप देख सकते हो मेरे दही भल्ले कितने अच्छे लग रहे हैं, गोल्डन गोल्डन। उसके बाद यहाँ चली मैं तैयार होने, और मैं यहाँ मेकअप कर रही हूँ। आपको मेरी मेकअप की फुल वीडियो मिल जाएगी गाइस। यहाँ मैं हो चुकी हूँ तैयार, यू कैन सी माय करवा चौथ लुक। और ये साड़ी मेरी सासू माँ ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट करी है, जो चूड़ा मुझे बहुत ही पसंद है। फिर यहाँ आ गए थे पापा जी, तो मैं उनके लिए बना रही थी चाय। यहाँ पे मैंने उनको चाय और बिस्किट सर्व किया, और फिर तभी मेरा बेटा बाहर पार्क से खेल के आया, तो यहाँ मैं कर रही थी उसके साथ मस्ती। फिर हमने करी कहानी की तैयारी, पूजा की तैयारी, और यहाँ मैं और मेरी दीदी कर रहे हैं पूजा, तिलक लगा रहे हैं एक दूसरे के, और उसके बाद हमने स्टार्ट करी कहानी। तो यहाँ दीदी सुना रही है कहानी। जल से मुँह धुलाकर एक भाई वटके रथ पर चढ़ गया। उसने चलनी से दीप दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ता है, चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई, और उन्हें देख विलाप करती हुई वीरवती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो।
इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे किया था, यह सब उसी फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के करवा चौथ के व्रत वे करवा चौथ का व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्व करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधि पूर्व 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्तिभाव से किया और इस व्रत के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता के दर्शित जीवित हो उठा। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरवती के पति की रक्षा करी है, ऐसे हम सबके पति की रक्षा करो। बंदे चार भुजा धारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुंह से की सवारी, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। फिर हम वहाँ कर रहे थे गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती। हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती करी। शेवत हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। और फिर जो चावल हैं वो अपने अपने आंचल में रख लिए। यहाँ मैं कर रही हूँ चांद का वेट और मैं थोड़ा सा थक गई थी और चांद निकलने में टाइम था। फिर चांद जैसे ही पता लगा निकल गया है, हम लोग फटाफट से गए छत पर और यहाँ हम लोग पहुँच गए अपने टॉप पर। थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद मैंने दिया चांद को अर्घ, चांद को जल दिया, उनकी पूजा करी और अपने पति की लंबी आयु की मनोकामना करी। इस बार चांद बिल्कुल सही टाइम पे निकला और आप देख सकते हो चांद कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे छोटू सा। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पति देव मेरा व्रत खोल रहे हैं। मैंने पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा और यहाँ मैं पी रही हूँ खूब सारा पानी जो कि मेरे पति देव मुझे पिला रहे हैं। और पानी पीने का इतना मन करता है कि लगता है सारा ही पी जाओ। उसके बाद मैंने यहाँ लिया उनका आशीर्वाद और करा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन। गाइज, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, बताना कैसा लगा। आगे भी मैं व्लॉगिंग करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।